यूपी के सीतापुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक सफेद रंग की एम्बुलेंस दिखाई जा रही है जो सड़क किनारे खड़ी है और एम्बुलेंस में कुछ लोग बैठे हैं। एम्बुलेंस के शीशे के पास एक गिलास रखा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि एम्बुलेंस में शराब पी जा रही है। बताया जा रहा है कि यह नजारा गजानंद कॉम्प्लेक्स और लालबाग चौराहे के बीच का है। एम्बुलेंस में दिन में शराब पीने वाले ये कोई और नहीं, सभी एम्बुलेंस ड्राइवर ही हैं। अब आपको बताते चले कि इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ी हुई ये एम्बुलेंस सीतापुर के जिला अस्पताल से लेकर महिला अस्पताल के बाहर दिन भर खड़ी नजर आएंगी, जो पूरी तरीके से मरीजों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर शराब पीते नजर आ रहे हैं, वो भी सीतापुर के मुख्य चौराहे के पास चलती सड़क के किनारे, वो भी दिन में शराब के नशे में धुत। किसी को नहीं पता था कि तीसरी आंख यानी कैमरे की नजर उनकी इस करतूत को कैद कर रही है। दूसरी तस्वीर में एम्बुलेंस के शराबी ड्राइवर ने सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। अच्छी बात यह रही कि गाड़ी में उस वक्त कोई नहीं था। बेहद शर्मनाक तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर स्टार न्यूज ने आपको दिखाई। सवाल यह उठता है कि आखिर इन एम्बुलेंस वालों को जिला अस्पताल और महिला अस्पताल के बाहर खड़े होने की किसने छूट दी है? क्यों आरटीओ विभाग के अधिकारियों को ये एम्बुलेंस वाले आज तक नजर नहीं आए? पुलिस अधिकारियों को भी ये एम्बुलेंस वाले आज तक दिखाई नहीं दिए। खैर, सवालों की एक लंबी लिस्ट है जिनके जवाब दे पाना अधिकारियों को बेहद मुश्किल होगा। फिलहाल एम्बुलेंस में शराब पीने वाला ड्राइवर्स का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है। सिदौली से गुरप्रीत सिंह और अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज़।